प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आप देख रहे हैं, मैं हूं विकास शर्मा। फेस्टिव सीजन में प्रॉपर्टी खरीदना भला कौन नहीं चाहता है, निवेश करना हो या आशियाना बनाना हो, फेस्टिव सीजन को हमारे देश में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सबसे सटीक समय और शुभ समय भी माना जाता है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ही डेवलपर्स भी बाजार में तरह तरह के डिस्काउंट ऑफर्स और स्कीम्स लाते हैं। क्या इस बार रियल एस्टेट बाजार में आए डिस्काउंट्स और स्कीम्स में कुछ खास है, इसे हम जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि इस फेस्टिव सीजन में अपना आशियाना खरीदने से पहले कितना होमवर्क करना आपके लिए बेहद जरूरी है, साथ ही किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। शुरू करते हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की। फेस्टिव सीजन दिल्ली एनसीआर रीजन में रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए उम्मीद की किरण बनकर आया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के रियल्टी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा बायर्स और इन्वेस्टर्स को रिझाने के लिए प्रमोशनल फेस्टिव ऑफर दे रही हैं। लेकिन क्या यह फेस्टिव सीजन इस सेक्टर के लिए संजीवनी बनेगा? क्या यह फेस्टिव सीजन इस सेक्टर को मंदी से राहत दिलाएगा? क्योंकि पिछले फेस्टिव सीजनों पर नजर डालें तो रियल एस्टेट खाली हाथ ही रहा था। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं किस तरह के ऑफर्स चल रहे हैं मार्केट में। प्रॉपर्टी मार्केट में मंदी है और बिल्डर्स के हाथ तंग हैं। बिल्डर्स बिक्री बढ़ाने के लिए फेस्टिव सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस सीजन में बिक्री बढ़ाना उनके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए कोई भी अखबार उठाइए, आपको ढेरों ऑफर्स दिखेंगे। दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु और पुणे जैसे देश के बड़े रियल एस्टेट सेक्टर में तो बिल्डरों द्वारा खरीदारों को दाम में 5 से 10% तक का फायदा दिया जा रहा है। उम्मीद के मुताबिक इस साल फेस्टिव सीजन में नए लॉन्च कुछ खास नहीं होंगे, लेकिन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में बिल्डर्स बढ़ चढ़कर ऑफर्स दे रहे हैं। भले ही वो प्राइस कम न करें, लेकिन इन ऑफर्स को जोड़ें तो अलग अलग इलाकों में 5 से 10% तक डिस्काउंट आपको मिल सकता है। रियल स्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिनमें जो डाउन ट्रेंड हम देख रहे हैं उसका बहुत बड़ा कारण है जो पास्ट में बिल्डर्स के द्वारा डिफॉल्ट किया गया है, प्रोजेक्ट समय पे ना कंप्लीट करना। फेस्टिव सीजन एक ऐसा सीजन है कि बिल्डर्स बहुत तरह के लुक्रेटिव ऑफर्स और डिस्काउंट्स हमको लाते हैं, तो इस फेस्टिव सीजन में भी हम थोड़ा डिमांड बढ़ते हुए देख सकते हैं, पर सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स में जिनमें बिल्डर्स की रेपुटेशन अच्छी है और जिनका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा हुआ है और जिन्होंने समय पर अपने प्रोजेक्ट जो है वो कम्प्लीट किए हुए हैं। उम्मीद पर दुनिया का है मैं, और उम्मीद सब लगा रहे हैं कि अच्छा होगा अच्छा होगा, लेकिन अगर मैं आंकड़ों के अनुमान लगाऊं तो मेरे हिसाब से कुछ बेहतर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम आगे बढ़ेंगे इसी उम्मीद के साथ। फेस्टिव सीजन में कुछ हम एडवांस कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, कुछ और सुविधाएं दे देंगे, कुछ डिस्काउंट्स दे देंगे, तो हमने हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कुछ सुविधाएं अपने फ्लैट्स के साथ में ऐड की है, कुछ उसमें हम एक्स्ट्रा अपने क्लाइंट्स को जो इस फेस्टिव सीजन में बुकिंग हमारे वहाँ कराएंगे। सारे डेवलपर ब्रदर्स जितने भी हैं फेस्टिव सीजन के दौरान कुछ ना कुछ स्कीमें निकालते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीस देते हैं। एक वो हमारे में कहावत है ना कि कुछ ना कुछ शगुन करने वाला जरिया, तो फेस्टिवल सीजन में एक शगुन के तौर पर कुछ ना कुछ एडिशनल ऑफर्स दी जाती है। दरअसल इस साल डेवलपर्स का रुझान कीमत घटाए बगैर खरीदार की जेब पर बोझ कम करने का है, इसलिए मार्केट में गोल्ड कॉइन, हर बुकिंग पर कार, टूर पैकेज, अशोर्ड गिफ्ट वाउचर, गोल्ड ज्वेलरी और दूसरे डिस्काउंट स्कीम्स की भरमार है। लेकिन अगर आपका मन इस साल किसी प्रोजेक्ट में प्री लॉन्च के वक्त निवेश करने का है तो आप थोड़े निराश हो सकते हैं, क्योंकि नकदी की कमी से जूझ रहे डेवलपर इस वक्त कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते, इसलिए पिछले सालों के मुकाबले इस साल कम लॉन्च होने की संभावना है। प्रीमियम हाउसिंग है, उनके लॉन्चेस इसलिए कम हुए हैं क्योंकि उनमें डिमांड कम हुई है इस समय के इन्फ्लेशन को देखकर। लेकिन जो मिड लेवल के हाउसिंग है या लो लेवल की हाउसिंग है जिन्हें हम अफोर्डेबल हाउसिंग कहते हैं, उनमें बहुत से अच्छे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं इन फेस्टिव सीजन में, तो मेरा ये कहना है कि आप जरूर उनको एक बार देख के कंसिडर कर सकते हैं, इनमें काफी अच्छे ऑप्शन आपको मिलते हैं। अब घटती बिक्री, बढ़ते स्टॉक और नकदी की कमी से घिरे डेवलपर को उम्मीद है कि नवरात्र, दशहरा, दिवाली से उनकी बैलेंस शीट भी चमक उठेगी, इसलिए वो खरीदारों को लुभाने के लिए ऑफर्स दे रहे हैं। लेकिन एक बात तय है, इसके बाद भी बिक्री नहीं बढ़ी तो उनके पास दाम घटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो इस फेस्टिव सीजन आप भी अपनी किस्मत आजमाते हुए अपने लिए अपने सपनों का आशियाना खरीदने का स्टेप ले सकते हैं। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट समाचार प्लस।
और हमारे साथ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट शरद बंसल साहब जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ है मनोज जैन साहब हैं, जो कि डायरेक्टर फाइनेंस साया ग्रुप से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जैन साहब, आपको लग रहा है इस फेस्टिव सीजन में कुछ संजीवनी मिल पाएगी? पिछली बार तो हमने यही उम्मीद की थी, लेकिन कुछ हाथ लगा नहीं था। इस बार कितनी उम्मीदें हैं आपको? देखिए, हमें लगता है अभी प्रॉपर्टी की जो कीमतें हैं एकदम रॉक बॉटम पे पहुंच चुकी हैं। साथ ही इस फेस्टिव सीजन में जो जिस तरह की सुविधाएं और एक्स्ट्रा मिल रही हैं, हर बिल्डर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दे ही रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि कीमत तो कम है ही है और जो एक्स्ट्रा मिल रहा है उससे कस्टमर का फायदा है। तो इन नवरात्रों के सीजन में, फेस्टिव सीजन में जो लोग घर बुक करा रहे हैं उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा होगा और बिल्डर्स की बैलेंस शीट भी अच्छी होगी। जी, चलिए, बैलेंस शीट की चिंता जरूर बिल्डरों को। शरद बंसल साहब, आपको लग रहा है संजीवनी मिल पाएगी, ऑक्सीजन मिल पाएगी, जितनी उम्मीद कर रहे हैं बिल्डर? देखो, जो मंदी के दौर से जो रियल एस्टेट पिछले 3 साल से जूझ रहा है, पिछली दो दिवालियां 2013-2014 की किसी में ऐसा कोई बड़ी भारी अचीवमेंट नहीं कर पाया रियल एस्टेट मार्केट, और निराशा की तरफ ही आए हैं। इस बार भी हम जो उम्मीद कर रहे हैं, जैसे मंदी के दौर में इस वक्त बहुत अच्छे रिजल्ट आने की संभावनाएं नहीं है। इसमें रियल एस्टेट मार्केट में जो अनसोल्ड इन्वेंट्री एक अपने आप में चैलेंज बन गया। अब जो लुभावनी स्कीमें, रंग बिरंगे पोस्टर या कोई स्कीम को गोल्ड दे देंगे, कार दे देंगे, टीवी दे देंगे, या फॉरेन ट्रिप के लिए आपको टिकट दे देंगे, ये सब चीजें लुभावनी चीजें। आज का जो इन्वेस्टर इतने सियाने हो गया, वो इन लुभावनी चीजों से अपने आप को आकर्षित नहीं होने देता। इस चीज को देखने के लिए रियल एस्टेट मार्केट में जब तक प्रॉपर्टी के प्राइस डाउन नहीं होंगे, ये जो स्कीम, जिस फेस्टिवल का सीजन है, इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रहा है, क्योंकि पहले भी लोगों को जो रिजल्ट है कि वही स्टॉक है, वही चीजें हैं। जब प्राइस कम नहीं होंगे और जब बैंक रेट डाउन नहीं करेगा, कोई ऐसी चीज हो जो बिल्डरों को कीमत कम करे, या कोई आपको 5-10 साल की फ्री मेंटेनेंस दे, या और इस तरीके की स्कीमें दें जिससे कि डायरेक्टली बेनिफिट। वही ऑफर्स हैं, वही लुभाने के तरीके हैं, सेम है। मनोज जी, एक चीज लोग जानना चाहते हैं कि क्यों बायर्स आए आपके पास, क्या ऐसा? क्योंकि पिछली बार भी यही ऑफर्स थे, यही सब कुछ था। जो आप प्राइस की बात कर रहे हैं वो जरूर एक कॉन्स्टेंट है उस स्थिति में, लेकिन लोग तब भी नहीं आ पा रहे हैं, तो इसका एक मुख्य कारण है क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कस्टमर अब नहीं आ रहा है। जहां तक प्राइसेस की बात अभी सर ने, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट बंसल साहब ने की, प्राइसेस ऑलरेडी रॉक बॉटम पहुंच चुके हैं। इससे नीचे जाने का मुझे नहीं लगता ही कि कोई कारण बनेगा। हाँ, लेकिन ये जो ऑफर्स अभी आए हैं, ये ऑफर डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा जरूर देंगे और डिमांड भी एक्चुअली ऑफर में ये कहा जा रहा है कि नया क्या है, क्या आप मेंटेनेंस का कई सालों तक ये भरोसा दे पा रहे हैं या प्राइस उस तरीके से लो किए हैं? देखिए, प्राइसेस ऑलरेडी एकदम रॉक बॉटम पहुंच चुके हैं, मुझे नहीं लगता इससे नीचे कोई प्राइसेस जाएंगे, तो यही सही वक्त है उनको प्रॉपर्टी बुक कराने का। शरद बंसल साहब, चूंकि अमूमन लोग शुभ समय मानते हैं और ये बहुत ही सटीक वक्त होता है, तो ऐसे में लोग एक्सरसाइज तो करते ही हैं, क्या आपको लग रहा है कि इस तरीके से लुभावने ऑफर्स में लोग आएंगे और वो ये देखेंगे कि जो सब प्राइस है सबसे कम है अब तक के कई सालों में, क्या इस बात को लेकर कि वो खींचे चले आएंगे बायर? देखो, अगर जो इन्वेस्टर है उसे हमें अपनी तरफ आकर्षित करना है, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट और जो गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत जरूरी है। जो हमारे अधूरे लड़खड़ाए इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो हॉस्पिटल है, स्कूल है, पार्क है, रोड है, मेट्रो, जब इसकी तरफ अगर ध्यान देंगे तो हमारे जितने भी अनसोल्ड जो होल्ड इन्वेंट्रीज है इसको अट्रैक्शन बनेगी। खाली डिस्काउंट देने से फेस्टिवल के नाम पे कोई ओपनली बिल्डर बोल रहा है क्या कि हम इतने 20% डिस्काउंट देंगे, 10% डिस्काउंट देंगे? अरे, मार्केट में अगर आपको कंपटीशन में आना है, ओवरऑल डिक्लेयर करें हम कितना प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट भी शेयर कट करके कॉस्ट ऑफ फ्लैट कम करें। इस वक्त एंड यूजर तरफ रहा है, मार्केट में बहुत डिमांड है, लेकिन जो होल्डिंग कैपेसिटी है जो इन्वेस्टर की या बिल्डर की या चैनल पार्टनर्स की, इतनी ज्यादा है, वो परवाह नहीं कर रहे हैं अपना, इसको स्टॉक को दबा के बैठे हुए हैं। एक रियल स्टेट की जो इन्वेस्टमेंट है सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, इसमें किसी तरीके का रिस्क नहीं होता, कोई चीज चोरी नहीं हो सकती, कोई इधर की प्रॉपर्टी उठा के उधर नहीं रह सकता। जब इतना बड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट है तो हम क्यों फेल हो रहे हैं बार बार? मनोज जी, क्या आपको लगता है कि जो एक रेपुटेशन थी वो काफी गिरी है, जो डिफॉल्टर्स कई हुए बिल्डर, ये अब जानने लगे हैं बायर्स अच्छी तरीके से, इससे बड़ा नुकसान पहुंचा है और उसे बिल्डअप करने में काफी वक्त लगेगा? देखिए, अब इसी वजह से लोगों को अब लगने लगा है, उन्होंने अपनी पूरी होमवर्क करके लोग आते हैं कि कौन डेवलपर टाइम पे डिलीवर करता है। अब नाम नहीं, काम बिक रहा है,
जिस आदमी ने टाइम पे डिलीवर किया है, ऑन टाइम दे रहा है, जो प्रोमिसेस किए वो पूरे कर रहा है, तो ये सारा होमवर्क करने के बाद जो कस्टमर आता है वो कभी नुकसान में नहीं रह रहा। जहां तक कीमतों की बात बंसल साहब ने की, मैं अगेन फिर इस बात को दोहराऊंगा कि कीमतें अभी इससे नीचे नहीं जा सकती हैं, तो लोगों को अब इसके ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, शुभ समय आ चुका है। अच्छा। उनको अपने घर बुक कराने चाहिए। अभी 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 मनोज जी कितनी गुंजाइश है कि और अभी जो प्राइस है और कम हो सकते हैं, इससे ज्यादा ज्यादा से ज्यादा खींचे चले आए? बिल्कुल, इससे कम मुझे नहीं लगता अब हो पाएंगे। जी जी शरद बंसल साहब, क्योंकि हर बार हम ये सोच लें कि कुछ होगा नहीं, इस बार बिल्डर्स भी इस तरह के ऑफर्स लेकर आए हैं कि कुछ ना कुछ हम ऐसा करें जिससे बायर से कम हमारे पास आए। क्या ये एक पॉजिटिव एनर्जी, क्या ये पॉजिटिव सोच बायर्स को जगा नहीं रही है? देखिए जी, बायर्स को जब तक कोई डायरेक्ट बेनिफिट नजर नहीं आएगा, चाहे हमारे आरबीआई रेट कम कर रहे हैं इंटरेस्ट के, नहीं प्राइस काफी लो है, काफी लो है, इससे नीचे जा नहीं सकते, ये तस्वीर रखना होगा ध्यान। बिल्कुल नहीं, इसमें देखो सबसे पहले हमें बिल्डर्स को सक्षम बनना पड़ेगा कि उसके पास इन्वेस्टर आए। जब वो बिल्डर कोई बिल्डिंग्स को बना रहे हैं, उसकी प्रोग्रेस पेमेंट को कलेक्ट करने में लगी रहती है और गवर्नमेंट से तालमेल तोड़ देते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक चीज है, जो ऑक्यूपेंसी के टाइम में और सराउंडिंग फैसिलिटीज को देख के इन्वेस्ट करते हैं, जहां पे सराउंडिंग इंप्रूव होती है वहां इन्वेस्टमेंट अपने आप ऑटोमेटिकली होता है। ये खाली ढांचे खड़े कर देने से, वर्टिकल प्रोग्रेस ले लेने से, या आपको जो दिखाना कि इतने फ्लैट बना लिए, प्रोग्रेस उसे कहते हैं जब आदमी रेडी टू मूव हो। आज जो जितने भी लोग हैं फिजिकल पोजीशन के देने में तो सक्षम है, लेकिन उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, कहीं सीवर नहीं है, कहीं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, कहीं रोड नहीं है, या बिजली कोई ना कोई नहीं। ये एक्सरसाइज करते हैं बायर्स, क्योंकि अगर कोई घर लेगा तो कम से कम इतनी एक्सरसाइज तो बायर्स लगातार कर रहे हैं। बंसल साहब, तो बायर को हर तरीके से फिट फॉर लिविंग, फिट फॉर फैमिली के लिए जब तक उसको चीजें नहीं होंगी ऑक्यूपेंसी के लिए और रहने के काबिल नहीं होगा, कोई बायर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ठीक है, ये कुछ आशंकाएं हैं, मनोज जी से इस बारे में पूछते हैं। मनोज जी, कई बार क्या होता है, ये बायर सोचते हैं कि अभी जो डिस्काउंट दिए हैं या ऑफर में जो छूट है उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगा दिए जाते हैं, कई बार ये देखने में आया है, क्या वाकई में ऐसा है, या आप एक भरोसा देना चाहेंगे बायर्स को कि देखिए ये आप इस वक्त जो भी आप बुकिंग कराएंगे या घर लेंगे उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आगे नहीं होंगे? देखिए, जितने भी चार्जेस कस्टमर से लिए जाते हैं, जब भी कस्टमर सामने बैठता है उसको पूरे चार्जेस पूरे ठीक से बताए जाते हैं कि हर चार्जेस का कोई ना कोई रीजन होता है। अब बात आती है कि वो चार्जेस के साथ साथ वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है या नहीं, वो बंसल साहब ने जैसे बताया, डेफिनेटली कस्टमर उसके क्वेश्चन करता है। आज का कस्टमर बहुत अवेयर है, ऐसा कोई भी अंधेरे में कोई काम नहीं करता कस्टमर, और हर चार्जेस का एक रीजन होता है। अगर उन चार्जेस को फर्दर और रिड्यूस करने का सपोज हम और उम्मीद करें तो मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा। जी, जाहिर तौर पर ये एक भरोसा दे रहे हैं बिल्डर, और मनोज जी शरद बंसल साहब हमारे साथ लगातार बने हुए, क्योंकि ये सही समय है, त्योहारी सीजन है, अगर आप डिसीजन लेते हैं तो आप ले लीजिए, एक्सरसाइज उसके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी ये हम आपको बताते हैं। दरअसल जो शुभ है वक्त, ये आप जानते हैं, त्योहारी सीजन का फायदा उठाने के लिए डेवलपर्स भी तमाम अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर्स और स्कीम्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन इन स्कीम्स में आपको निवेश करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी, ताकि आपको भविष्य में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। देश में फेस्टिव सीजन यानी त्योहारों का दौर शुरू हो चुका है, हर सेक्टर इसका लाभ लेने के लिए तैयारी कर चुका है, रियल एस्टेट सेक्टर भी इसके लिए तैयार है। ज्यादातर शहरों में रियल एस्टेट कंपनियों के विज्ञापन सड़कों के किनारे लगे दिखाई देने लगे हैं, जिनमें वो अपनी तरफ से कई डिस्काउंट और तरह तरह के ऑफर पेश कर रहे हैं। अगर आप घर खरीदने के इच्छुक हैं, तो फेस्टिव सीजन इसके लिए एक उम्दा मौका साबित हो सकता है, लेकिन याद रखना चाहिए कि आपको किसी भी ऑफर को चुनने से पहले उसे दो या तीन बार जांच जरूर लेना चाहिए। बिल्डर के इतिहास की पड़ताल। यूं तो सभी ऑफर बेहद अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन उनमें से हर किसी पर समय देना सही नहीं होगा। जरूरी है कि आप अपने मार्केट को समझ लें, डेवलपर्स को उनकी इमेज और पिछले काम के आधार पर जांच लें। इन दोनों बातों पर गौर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे बिल्डर को चुनें जिसका पिछला कार्य गुणवत्ता वाले फ्लैट्स का समय पर पोजीशन देने का हो। इसके लिए आप ऑनलाइन कस्टमर्स फोरम पर भी सर्च कर सकते हैं। लोकेशन का महत्व। सुनिश्चित करें
कि जिस प्रोजेक्ट में आपने अपने सपनों का घर खरीदने का फैसला ले लिया है उसकी लोकेशन अच्छी है। एक अच्छी लोकेशन से मतलब ऐसी जगह से है जहां सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हों, वहां पर पहुंचना आसान हो और इसके साथ ही वहां फ्यूचर में आपकी प्रॉपर्टी की कीमत में इजाफा होने की भी पूरी संभावना होनी चाहिए। आपको अपनी जरूरत की सभी चीजें जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मॉल और पार्क तक पहुंचने के लिए भी बहुत दूर जाना ना पड़े तो ही बेहतर होगा। कीमत की बात। रियल एस्टेट बाजार में आजकल उचित कीमत का फैसला करना एक बेहद मुश्किल काम है। सही कीमत का पता लगाने के लिए आपको जांच पड़ताल और खोज करनी होगी। जिस प्रोजेक्ट को आपने चुनना है उसी तरह के दूसरे प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी की कीमत का पता कर लें। एक ही प्रॉपर्टी डीलर तक सीमित ना रहें। ये भी जान लें कि कहां कहां मोल भाव की संभावना है। ये भी जानने की कोशिश करें कि बिल्डर आपको और कितना अतिरिक्त डिस्काउंट देने को तैयार है। बिल्डर से मोल भाव करते वक्त हमेशा नगद डिस्काउंट लेने पर जोर डालें। होम बायर से मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जरूर फेस्टिव सीजन का फायदा उठाइए, डिस्काउंट्स को, ऑफर्स को देखिए, उनसे आपको मुनाफा हो सकता है, लेकिन सिर्फ डिस्काउंट या ऑफर पे मत जाइए। ये भी देखिए कि वो बिल्डर्स की रेपुटेशन क्या है, उसका सौदा लेने में आपको कहीं आगे कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो कुछ सावधानियों को बरतिए इन फेस्टिव सीजन में, हो चाहे वो आपको कभी भी घर खरीदना हो, इन सावधानियों को जरूर देखिए। इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप इस फेस्टिव सीजन के दौरान अपने सपनों का घर अपने मनपसंद और सही दाम पर हासिल कर सकते हैं। इस दौरान थोड़ी मेहनत करने पर ऐसा उम्दा सौदा भी आपके हाथ लग सकता है जो आपको फिर कभी ना मिले। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट समाचार प्लस। और ये सबसे अहम पहलू है शरद बंसल साहब, कैसे हम ऑफर की पहचान करें, कैसे बिल्डर की पहचान करें, उसका पास्ट क्या है, कैसे हम डॉक्यूमेंट चेक करें, क्योंकि ये अगर कर लिया किसी बार में तो फिर दिक्कतें उतनी नहीं है, क्योंकि ऑफर हर कोई दे रहा है, कोई ज्यादा दे रहा है, कोई कम दे रहा है, तो हमारे लिए बेस्ट क्या है, उसे हम कैसे पहचाने। देखिए इसके लिए जी आज सूझबूझ से हमें काम लेना चाहिए और हर किसी को एक या दो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को कंसल्ट करें, लीगल एक्सपर्ट को कंसल्ट करें, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करें, जो बिल्डर जिसने प्रोजेक्ट बनाया उसकी पास रिकॉर्ड देखें, उसके जो डिलीवरी करी है उसे देखें, उसकी क्वालिटी देखें, वहां के जो लोगों ने ऑलरेडी शिफ्ट कर लिया है आसपास में, बिल्डर की बनाई प्रॉपर्टी में जाके देखें कोई वर्कमैनशिप में खराबी तो नहीं है। जब तक आप अपना होमवर्क नहीं करेंगे, खुद मेहनत नहीं करेंगे, किसी के जाने से किसी की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। जब तक आपके संतुष्ट ना हो आप पैसा ना खर्चें। मनोज जी, चूंकि क्या है इस दौरान जो बायर्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा ब्रोशर देख लेते हैं और उसमें क्या है कि उसी को हर चीज समझ लेते हैं, तो क्या वो ट्रांसपेरेंसी डेवलपर्स की तरफ से बढ़ती जा रही इन ऑफर्स के साथ जो बायर्स आ रहे हैं उनके पास? जी अभी कोई ऑप्शन नहीं है, अभी सारे जितने भी बिल्डर्स हैं या डेवलपर्स हैं जी पूरा अपना उनको अपनी साइट पे या ऑफिस में हर तरह के डॉक्यूमेंट रखने होते हैं। कोई भी कस्टमर जब चाहे उनका पूरा वेरिफिकेशन कर सकता है, उनके बैंकर्स होते हैं, लेंडर्स होते हैं और वो खुद भी कस्टमर चाहें तो पूरे उसका वेरिफिकेशन करने के लिए देख सकता है। वो इसमें वो नहीं है। लोगों के मन में ये आशंकाएं होती हैं मनोज जी की, जैसे अभी ऑफर के साथ दे दिया, बाद में कोई कीमतें तो नहीं बढ़ा देते हैं, लोग ये भी सोचते हैं कि क्या पहले इसकी कीमत कम थी, ऑफर्स के साथ बढ़ा के ये दे रहे हैं, ये भी आशंकाएं रहती हैं बायर्स के मन में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इस चीज के लिए उनको अपनी प्राइस लिस्ट जो होती है हर बिल्डर अपनी अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, या वो जैसे अभी बंसल साहब ने कहा किसी ना किसी कोई ना कोई प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है तो पहले अपना होमवर्क लोग कर ही लेते हैं। और पिछले 2 सालों से तो मैं खुद स्टडी कर रहा हूँ इसको, इसमें मुझे नहीं लगता कि लोग पहले उसको बढ़ाते हैं या बाद में डिस्काउंट देते हैं। इन दिनों में चूंकि फेस्टिवल का एक वो माहौल चल रहा होता है तो हर बिल्डर भी जाता है अपने कस्टमर्स को लुभाने के लिए, चलो वो इन दिनों में शुभ दिन है, लगन भी अच्छा है तो वो उसको अपने कुछ ना कुछ उसको जरूर उसको डिस्काउंट दिया जाए फर्दर। ठीक है शरद बंसल साहब, अब बेहद अहम पहलू ये है कि हम किस तरीके से जांचें, क्या लोकेशन है, क्या कनेक्टिविटी है जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे, और बिल्डर का इतिहास क्या है, क्योंकि समय कम होता है, ये शुभ समय शुभ दिन होते हैं तो लोग सोचते हैं जल्दबाजी में हम ये स्टेप ले लेते हैं, तो उनके लिए शरद बंसल साहब आप क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले जो हम फेस्टिव सीजन है एक सेंटीमेंट है इंडिया का, इस सीजन का फायदा उठाने के लिए बिल्डर को इसे इनकैश कर रहा है और इसमें उसके साथ साथ उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर सूझबूझ से काम लें और इंफ्रास्ट्रक्चर सराउंडिंग को इम्प्रूव करें तो डेफिनेटली इन्वेस्टर मार्केट में लपकेगा। इस वक्त फेस्टिव सीजन जो सेंटीमेंट के साथ साथ
चाहे सोना खरीदा जाए, चाहे प्रॉपर्टी खरीदी जाए या कोई और नई चीज खरीदी जाए, इस वक्त शुभ माना जाता है। फेस्टिव सीजन में जो भी इन्वेस्टमेंट होती है उसे लकी माना जाता है और उसे हर तरीके धार्मिक दृष्टि से भी अच्छा माना गया है। धर्म के नाम पे, पूजा के नाम पे इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना, अब इस चीज को तो बिल्डर दोनों चीजों को इनकैश करेगा, एक तो मार्केट के सेंटिमेंट्स आ गए और एक अपने सराउंडिंग की इम्प्रूवमेंट आ गई, इन दोनों को मिला के जब करेगा उसे फेस्टिव सीजन का फायदा होगा, इन्वेस्टर भी आएंगे मार्केट में और उसका जो स्टॉक रुका हुआ है वो जल्दी निकलेगा। इस वक्त बिल्डर नई प्रॉपर्टी से ज्यादा है, तो पुराने उनका स्टॉक है उसके डिस्पोजल में लगे हुए हैं जी। और बंसल साहब क्या होता है, तमाम डेवलपर्स ये भी कहते हैं कि अभी आप ले लीजिए, ऑफर्स हैं, बाद में इसकी कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी, तो इस झांसे में भी बायर्स आता है, तो ठीक है बायर डेवलपर्स अपनी बात रखते हैं, बायर्स को अपना कदम है उसका, फिर ऐसे में जो जल्दबाजी में स्टेप होते हैं इसको कैसे ध्यान में रखें कि आगे कीमतें ना बढ़ें, क्या ऐसी सूरत होती है? नहीं, इसके देखो आपकी जो बार्गेनिंग स्किल है, जो आपका प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, जो रियल एस्टेट एजेंट है जो आपको कर रहा है, उसके नेगोशिएशन स्किल, बार्गेनिंग स्किल और जो वेरियस ऑप्शन है दो तीन चार, आप एक ही के ऊपर मन ना बनाए, प्रॉपर्टी को सर्च करने के लिए होमवर्क करें, नेट पे बैठे, अथॉरिटी से वेरिफिकेशन लें, आप जल्दबाजी पैसा खर्च के कहीं परेशानी में ना फंस जाए। आप जब तक बिल्डर के रिकॉर्ड से पास प्रेजेंट सेंक्शन अप्रूवल लीगल ऑक्यूपेंसी लीगल उसका कंप्लीशन है सब तो वेरीफाई ना कर लें, उससे पहले हमें किसी भी फेस्टिव सीजन है या किसी और वजह से, किसी स्कीम की वजह से, कम पैसे की वजह से गलत चीज ना ले लें। बिल्कुल, ये बेहद अहम सुझाव है। मनोज जी, चूंकि आप लोग ये कहते हैं बायर से कि इसके बाद कीमतें बढ़ जाती हैं, ये एक कॉम्पिटिशन का दौर है इस फेस्टिव सीजन में, तमाम तरह के डिस्काउंट हर कोई, तो कितना कितने प्रतिशत तक हम ये माने कि बेनिफिट आप बायर्स को दे रहे हैं, इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं? जी, जो फेस्टिव सीजन में जो फर्दर जो डिस्काउंट दिए जा रहे हैं वो जरूर बाद में कम हो जाते हैं, क्योंकि वो फेस्टिव सीजन के लिए ही स्पेशली निकाले जाते हैं, तो इन दिनों में जरूर कुछ ना कुछ उसको फायदा होता ही है जो इन दिनों में बुक कराता है, बाद में कीमतें वैसे नहीं बढ़ती हैं और जो ऑफर्स अभी दिए जा रहे हैं उसमें कमी आ जाती है। तो मरुज जी, क्यों नहीं स्थायी तौर पर ऐसे कुछ ऑफर्स दें बिल्डर अपनी तरफ से डेवलपर्स कि मेंटेनेंस का कम समय तक और बाकी जिस तरीके चार्जेस होते हैं उनको कम किया जाए, इस तरफ क्यों नहीं बढ़ पाते हैं तो ताकि ज्यादा ज्यादा बायर्स आए? जी, जितने भी बायर्स होते हैं वो अपना पूरा नेगोशिएशन करते ही हैं, जिस तरीके का ये मेंटेनेंस का अगर सपोज डिस्काउंट की बात करें वो एक्चुअली प्रैक्टिकली फिजिबली भी नहीं होता है, क्योंकि जब बिल्डिंग अपन ऑफर कर देंगे और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से नहीं रहेगा, बिल्डिंग ही मेंटेन नहीं रहेगी, तो वो बिल्डिंग फिर बेकार हो जाएगी, वो रहने लायक ही नहीं रहेगी। इस वजह से क्या होता है कि जो भी कस्टमर उसको लेता है वो खरीदने के टाइम अपने फ्लैट की कीमत या घर की कीमत तो नेगोशिएट करता है, जनरली मैंने किसी बिल्डर सॉरी इसको कस्टमर को नहीं सुना कि वो उस पर मुझे डिस्काउंट दे या मेंटेनेंस चार्जेस फ्री करे। ठीक है, तो शरद बंसल साहब, हम एक ओवरऑल अगर आपका ये मैसेज देखें कि इस सेक्टर के लिए ये फेस्टिव सीजन कितना मायने रखता है, अहम है, और लोगों का जिस तरीके का रुझान है उसको देखते हुए और बायर्स को किस तरीके का पॉजिटिव स्टेप लेना चाहिए? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया अपने दर्शकों को, जो फेस्टिव सीजन है पूरे साल इंसान इंतजार करता है कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी को मैं अवेल करूंगा, इस समय बिल्डर ने ही मन बना लिया है और इन्वेस्टर ने भी पूरे वैसे तीन साल से थके हुए हैं, उन्होंने घबराए हुए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, इस वक्त बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिल्डर ने मन बना रखा है पैसे कम करने का, आपको ऑफर देने का, खाली आप ऑफर पे लालच मत करें, बिल्डर से बैठ के बार्गेन करें, पेमेंट शेड्यूल में बार्गेन करें और फैसिलिटीज में बार्गेन करें, खाली एक गिफ्ट को लेने के चक्कर में आप ऐसा ना बिल्डर को ज्यादा पैसे दे बैठे, अपने कंसल्टेंट को बोलें कि मुझे टोटल टेन्योर में टाइमली डिलीवरी में इंस्टॉलमेंट में स्पेसिफिकेशन में और इंफ्रास्ट्रक्चर बेटरमेंट में पार्किंग में क्लब में इन सब में मुझे अगर बेनिफिट मिले वो ज्यादा बेटर है, बजाय कि मैं वन टाइम कोई ऐसी चीज कर लूं जिससे मुझे कॉस्ट में फर्क ना पड़े। ठीक है, बिल्कुल। मनोज जी, क्योंकि बहुत सारी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, कैश डिस्काउंट को लेकर के सभी बायर से चाहते हैं, क्योंकि ऑफर्स तो बहुत सारे, कोई कार दे रहा है, कोई टीवी दे रहा है, फ्रिज दे रहा है, कोई विदेश हुआ, ये कैश डिस्काउंट को लेकर के किस तरीके आपको उम्मीद लग रही है कि बायर्स ज्यादा से ज्यादा वही चाहते हैं और इसी से इस सेक्टर को फायदा मिले ज्यादा? जी, कैश डिस्काउंट तो कस्टमर पूरे साल बार्गेन करता ही करता है,
इन दिनों में उसकी भी उम्मीद होती है और उस भावना का ध्यान रखते हुए जो डेवलपर्स भी यही करते हैं कि केवल फेस्टिवल सीजन में कुछ एक्स्ट्रा कितने प्रतिशत तक का कैश डिस्काउंट लगभग आपके? वो डिपेंड करता है कौन किस बिल्डर के पास कितनी रेट है, कितनी इन्वेंट्री है, कितना उसके पास स्टॉक है, बिल्कुल उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सही समय है, आप घर खरीद सकते हैं, लेकिन बहुत जरूरी एक्सरसाइज करना, ऑफर्स के चक्कर में ना पड़े, आप बिल्डर से डेवलपर से बैठकर बात करें, कैश डिस्काउंट अगर आपको मिलता है और किस तरीके से आपको टाइम पर घर मिलता है ये बेहद आपके लिए जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद बंसल साहब, आप हमारे साथ लगातार बने रहे, मनोज जैन साहब हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में इतना ही।